ऐसा टिफ़िन बॉक्स का नाश्ता कि आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए, आज के इस मैजिकल टिफ़िन रेसिपीज़ फॉर किड्स के एपिसोड में हमने बनाया है ब्रेड पिज्ज़ा, और ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसे बनाते हो और आपके बच्चों को टिफ़िन में देते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों का टिफ़िन जो है वो फिनिश होके ही आएगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया बना है, और फटाफट से बन जाता है, इजी वे से बन जाता है। ये मैंने ओवन में बनाया है, पर आप चाहो तो इसे तवे पे भी बना सकते हो। तो देखते हैं, तो ब्रेड यहाँ पिज्जा पे बनाने के मैंने लिए चार सबसे स्लाइस पहले ब्रेड यहाँ पे लिए मैंने हैं। यहाँ पे मैंने सैंडविच ब्रेड चार लिया है, आप ब्रेड चाहे की तो यहाँ पे स्लाइस ब्राउन लिए ब्रेड हैं। या व्हीट ब्रेड भी यहाँ ले पे सकते मैंने हो। फीकी वाली साथ में कटोरी ली मैंने है, उसको यहाँ इसको पे काट के ग्रीन लिया चिलीज है। लिए हैं चॉप, ये यहाँ पे मेडियम आप स्पाइसी शिमला है, मिर्च भी यूज़ कर वन सकते हो। टोमेटो यहाँ एक पे लिया टोमेटो है जो है चॉप उसे करके, मैंने इसे ऐसे मैंने वर्टिकल इस तरह से शेप में चॉप किया लंबे है। लंबे से तो इसे आप टमाटर चाहे तो को इसे मैंने छोटा छोटा बारीक इसमें काट सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने मैंने थोड़ी सी जो पत्ता गोभी कैबेज है ली उसे है, भी उसे इस भी तरह से मैंने लंबे लंबे काट काट लिए हैं। लिया है। बारीक कटा हुआ अनियन प्याज भी लिया हम है, यहाँ पे अनियन को लगेगा। मैंने बहुत ही बारीक आप इसे चॉप चाहे तो किया है। इसे साथ में मैंने यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स लिए हैं। साथ में चिली थोड़ा सा फ्लेक्स चिली ऑप्शनल फ्लेक्स है, है, बच्चों को आपके फीका पसंद है तो आप चिली इसे फ्लेक्स स्किप कर लिया सकते है, हैं। यहाँ पे शेजवान रेड चिली सॉस, सॉस लिया है, इसकी जगह आप यहाँ पे शेजवान पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर टॉपिंग सकते हो, लिया है, और इसे थोड़ी आप पिज़्ज़ा प्लीज टॉपिंग की स्किप सॉस करना। ली है। साथ में साथ मैंने में थोड़ा यहाँ सा पे मैंने मेयोनीज मेयोनीज लिया लिया है, है, ठीक है। और चलिए अब बनाते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। तो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्लाइस ले लिया है, उसके ऊपर मैं सबसे पहले रेड चिली सॉस जो है वो स्प्रेड कर लूँगी। अच्छी तरह से हमें इसके ऊपर इसे स्प्रेड करना है। ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। ये जो हमारा पिज़्ज़ा मिलता है, ये डोमिनोज पिज़्ज़ा से भी बहुत बढ़िया बनती है। और एक एक करके हम तीनों सॉस जो है वो इसके ऊपर लगा देंगे। बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फटाफट से बनती है, एक 5 मिनट में आप इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा टॉपिंग लिया है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके घर पे ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सारी सॉस है वो लगा के हो गई है। अब हम इस पे क्या करेंगे, प्याज जो है उसे, प्याज को इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी से फैला देंगे। और इस तरह से मैं प्याज को फैला रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो कैबेज है वो डाल देंगे। आपको इनमें से जो भी चीज़ें पसंद नहीं हैं आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सारी सब्जियां उनको पसंद आनी चाहिए, इसलिए मैंने पिज़्ज़ा में ही सारी सब्जियां जो है वो डाल दी है। अब मैं ये जो ग्रीन चिली चॉप की है उसे इसके ऊपर इस तरह से थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर रख दूँगी। टोमेटो जो है वो भी थोड़े थोड़े डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे हम एडजस्ट करके रख देंगे। यहाँ पे आप बारीक भी कटी हुई टमाटर ले सकते हैं। बहुत ही असम ये रेसिपी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पे मैंने अमूल चीज़ का क्यूब लिया है, जिसे इसके ऊपर मैं ग्रेट करके डाल दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पे मोजरेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे अमूल चीज़ पसंद है इसलिए यहाँ पे मैंने अमूल चीज़ लिया है। और इस तरह से हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसी के साथ हम बाकी के जो पिज़्ज़ास है वो भी हम रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बाकी के पिज़्ज़ा भी तैयार कर लेती हूँ। तो मैजिकल टिफ़िन रेसिपीज़ में आपको एक से बढ़ के एक नई नई टिफ़िन की रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आपको सिर्फ़ एक काम करना है, करुणास किचन को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और जैसे भी आपको वीडियो दिखता है तो वीडियो के ऊपर जो बेल आइकन है उसको दबाना है, क्योंकि अगर आपने ये कर दिया तो आपको मेरे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने सारी जो सब्जियां है इसके ऊपर फैला दी है। इस तरह की नई नई अगर हम टिफ़िन रेसिपीज़ अगर बच्चों के टिफ़िन में देंगे तो बच्चों को टिफ़िन बहुत अच्छा लगता है और बच्चे फटाफट से टिफ़िन फिनिश करते हैं।
तो अब सारे ब्रेड के ऊपर मैं यहाँ पे चीज़ जो है उसे स्प्रेड कर रही हूँ। सारे ब्रेड के ऊपर मैंने चीज़ यहाँ पे स्प्रेड कर लिया है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने अमूल का चीज़ यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पे मोजरेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मोजरेला चीज़ से भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो मिर्च यहाँ पे यूज़ की है वो मीडियम स्पाइसी है। अब पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। इसे हम प्री हीटेड ओवन में बेक होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है। अब इसको मैं ओवन में डाल दूँगी और इसे मैं 12 मिनट के लिए ओवन मोड पे बेक करने के लिए छोड़ दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये ओवन में बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। मैंने फिर से आपको कहा है कि आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तवे पे भी ये अच्छे से बन जाते हैं। हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा जो है वो रेडी है। अब आप देख सकते हैं ये कितने प्यारा बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में प्लीज़ लिख के बताना कि मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को लाइक कीजिए और शेयर।